अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको चाहिए ऐसी रेसिपीज़ जो सिंपल एंड इजी होने के साथ साथ टेस्टफुल भी हों, तो ये चैनल आपके लिए है। तो जैसे आपको पता है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात में दिल करता है कि शाम की चाय के साथ कुछ मज़ेदार खाने को भी हो, तो मैं आज एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम चने की कुरकुरी दाल बनाएंगे और साथ ही इसका बहुत मज़ेदार सा मसाला भी बनाएंगे, और ये घर में ही बहुत मज़ेदार, बहुत कुरकुरी बनके तैयार हो जाती है। और ये इतनी परफेक्ट बनके तैयार होती है, कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये घर की बनी हुई दाल है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बना के तैयार करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में चने की दाल ले ली है। ये दाल है तकरीबन 350 ग्राम, तो आपको जितनी भी बनानी हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने पानी डाला है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, 2-3 पानी से धो लेंगे ताकि इसमें से सारा गंदला पानी निकल जाए। मैं इसे धो के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें सारा साफ़ पानी आ गया है। और इसको मज़ीद सॉफ़्ट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दूँगी, ये तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर डाला है। और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो बस 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया था, और इसके बाद हमारी दाल बहुत अच्छी नरम हो गई है। ये देखें मैं आपको तोड़ के भी इसे दिखाती हूँ, ये बिल्कुल नरम हो गई है। तो बस हम इसे वॉश करेंगे दोबारा से, और इसमें जितना भी सोडे का पानी है ये सब अच्छी तरह से निकाल देंगे। दाल को अच्छी तरह से धो लेने के बाद हम कोई किचन टॉवल ले लेंगे या कोई किचन का रुमाल ले लें आप साफ़ सुथरा सा, और उस पर सारी दाल को अच्छी तरह से फैला दें। पंखा भी खोल दें ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इसे मैं चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दूँगी, और चाहें तो किसी टिशू से या इसी रुमाल को टर्न करके आप अच्छी तरह से जो दाल गीली है उसे इस तरह से इसका पानी जज्ब कर लें, तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगी। मगर हमने दाल को बिल्कुल खुश्क नहीं करना, इसमें थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए, बस इतनी नमी रहनी चाहिए कि जब हम इसे हाथ में लें तो हमारा हाथ गीला ना हो। तो चलें इतने हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून लेंगे नमक, और फिर इसी लाल मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम, और इसी तरह कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। और आमचूर पाउडर डाल ली हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर। आप इसकी जगह टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट करना है तो आप इसमें थोड़ी सी टाटरी डाल दें। और इसके बाद चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा बहुत मज़ेदार सा कुरकुरी दाल का मसाला बन के तैयार है। अब यहाँ पर हमारी दाल ड्राई हो गई थी, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, और ये देखें बिल्कुल हाथों को भी नहीं लग रही और बहुत अच्छी सी हमारी नरम हो गई है दाल। तो बस इसे मैं समेट लूँगी अच्छी तरह से, और आपने इसे खुश करने के लिए धूप में नहीं रखना, आपने पंखे के नीचे ही इसे ड्राई करना है। और जब ये इस तरह से हो जाएगी तो बस ये बिल्कुल डन हो जाएगी, और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है हमारी दाल। तो चलें अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राइंग के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया है, और इसके बाद मैं इसमें छन्ना रखूंगी पहले और फिर दाल शामिल करूंगी। इसकी वजह यह है कि हम दाल को डायरेक्ट डाल देंगे तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा, और हमने यहाँ पे अपना फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। इसे स्लो फ्लेम पे नहीं हमने करना, क्योंकि फिर हमारी दाल कुरकुरी नहीं बनेगी। आप चाहें तो छन्ने में ही सारी दाल फ्राई कर सकते हैं, या चाहें तो आस्ता आस्ता करके दाल को कढ़ाई में डाल दें और फिर इस तरह से फ्राई कर लें। बस इस पर थोड़ा सा जब कलर आ जाएगा तो ये हमारी दाल डन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना हमने इसे। तो ये देखें ऑलमोस्ट हमारी दाल डन है, इस पर हल्का सा कलर भी आ गया है, और बस मैं इसे निकाल लूँगी। और आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताया करें, और मेरी वीडियोस आपको कैसी अच्छी लगती हैं, आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। तो ये हमारी सारी दाल फ्राई हो गई थी, और देखें सेकंड टाइम जब मैंने दाल डाली है तो मैंने इसी तरह से छन्ने में ही फ्राई की है, इसे कढ़ाई में नहीं डाला। तो जो तरीका आपको आसान लगे आप इस तरह से अपनी दाल को फ्राई कर सकते हैं। दाल को निकालने से पहले आपने प्लेट में बटर पेपर ज़रूर रखना है, और इसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था मज़ेदार सा ये इसमें शामिल कर देना है। और ये हमारे मज़ेदार सी चने की कुरकुरी दाल बन के तैयार हो गई है। ये इतनी परफेक्ट बनके तैयार होती है कि कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये दाल आपने घर में तैयार की है। तो यहाँ पे सारा मसाला मैंने शामिल कर दिया है, और यहाँ इस पॉइंट पे हम टेस्ट भी कर लेंगे, अगर आपको कुछ कम लगता है तो आप शामिल कर सकते हैं इसमें नमक या मिर्च। मुझे यहाँ पे मिर्चें थोड़ी कम लगनी थी तो थोड़ी सी मैंने और शामिल कर दी हैं।
और सबसे आखिर में मैंने कड़ी पत्ता डाला है कढ़ाई में, और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे। इसकी खुशबू और टेस्ट इस दाल में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा ही था जो मैंने इसमें शामिल कर दिए, आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डालिएगा। तो यहाँ पे बटर पेपर हम नीचे से निकाल लेते हैं इसके, और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा बटर पेपर में आ गया है। तो यहाँ दाल की आवाज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी दाल कितनी कुरकुरी बनी है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। और मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।